अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों से भक्तरुख जो है हमारे चैनल को टेक ओवर किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाया था। तो अगर बात कर ले आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, तो दोस्तों आसुस ने हमें भेजा है एक लॉन्च इन्वाइट जो कि 10 मार्च का है। तो आप लोग समझ सकते हैं यह एक आसुस ROG फोन 5 का लॉन्च इन्वाइट है। तो जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है एंड अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एक कैप रखा हुआ मिलेगा दोस्तों जो कि ब्लैक कलर का अच्छा लग रहा है देखने में। उसके नीचे एक लॉन्च इनवाइट का दोस्तों पोस्ट कार्ड भी है एंड उसके नीचे एक स्टिकर भी रखा हुआ है। राइट साइड में एक टॉवल मिल जाता है एंड लेफ्ट साइड में एक फेस मास्क भी रखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है एंड ये एक स्वीट सा जेस्चर है दोस्तों आसुस की तरफ से हम क्रिएटर्स के लिए। तो ये अच्छा लगता है दोस्तों कि ऐसा कोई ब्रांड हमारे तरफ ध्यान भी दे रहा है। अब अगर बात कर ले दोस्तों इसमें एक कमी के बारे में, जी हाँ मैं पॉइंट आउट करूंगा, तो गाइस वो ये है कि इसके जो डब्बा है दोस्तों उस पर ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको बिल्डिंग ब्लॉक और प्लेइंग कार्ड भी मिलता है, लेकिन दोस्तों इस पूरे बॉक्स में मुझे ना तो बिल्डिंग ब्लॉक मिला ना ही प्लेइंग कार्ड मिला। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें मिल गई दोस्तों। तो आई थिंक कि ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट आउट करना बनता है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों और आसुस का ROG फोन 5 10 मार्च को शाम 4:30 बजे लॉन्च हो रहा है। तो आप लोग लॉन्च इन्वाइट देखना मत भूलिएगा, यहाँ भी दोस्तों काफ़ी कमाल का होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, स्नैपड्रैगन 888 16 या 18 GB का रैम, 256 GB की स्टोरेज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। बाकी के लिए दोस्तों आज कुछ ऐसा करते हैं कि किडनैप होने के बाद यार अभी तक मैंने टी शर्ट चेंज नहीं किया है, तो क्यों ना आसुस का ही कैप वगैरह पहन करके आते हैं। तो गाइस टी शर्ट तो मैंने अपना पहना है, बट ये रहा तवेल और ये रहा टोपी दोस्तों आसुस की तरफ से, मतलब सही लग रहा है ना, तो इधर कर लेता हूँ कैसा है। सो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A32। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने इस स्मार्टफोन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कहा है कि आप लोग को इस स्मार्टफोन से बचना चाहिए, इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 20,000 रुपये में एक बहुत ही घटिया स्मार्टफोन है जिसमें आपको हीलियो G80 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड ये जो प्रोसेसर है 10,000 से 12,000 रुपये वाले स्मार्टफोन में भी अवेलेबल है और ये लोग दे रहे हैं दोस्तों 20,000 से 22,000 वाले फ़ोन में। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि इंटरनेट पर बहुत सारे पेड रिव्यूज़ आज
आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है इसलिए हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। यह एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है इसलिए आप बाय कर सकते हैं, ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है इसलिए ये अच्छा है। एंड आई डोंट नो दोस्तों ये क्रिएटर कैसे ऐसा कर लेते हैं, हमारे जो पेड क्रिएटर्स है, बायस क्रिएटर्स है, आई डोंट नो दोस्तों कैसे कर लेते हैं। मतलब इस तरह के फ़ोन अगर मेरे पास आते ना, मैं तो सीधा कहता भाई रहने दो, मेरे को नहीं करना है, इतना घटिया फ़ोन को नहीं करना रिव्यू। बिकॉज देखिए दोस्तों, ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा प्राइसिंग नहीं चलता दोस्तों। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग 15,000 के नीचे रहती है तो सोच सकते थे आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसका जो प्राइसिंग वह 20,000 से 22,000 रुपये है। एंड 22,000 रुपये में हीलियो G80 दोस्तों ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में भी हीलियो G80 दोस्तों आपको 14,000 के नीचे 12,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे बुरी बात तो ये है ना दोस्तों कि ये जो क्रिएटर्स है यही लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन में गैप क्रिएट कर रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं कि ऑफलाइन में ज़्यादा प्राइस होता है, ऑनलाइन में कम प्राइस होता है, यही लोग है दोस्तों, जो कि अब ये बातें पुरानी हो चुकी है और अब यह एक मिथ बन चुका है। बिकॉज पहले ऐसा होता था कि जो फोन अवेलेबल होता था ऑनलाइन वो ऑफलाइन ही होता था और जो ऑफलाइन अवेलेबल होता था वो ऑनलाइन ही होता था, लेकिन आजकल हर एक स्मार्टफोन जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो ऑफलाइन भी बिक रहा है और जो ऑफलाइन अवेलेबल है वो ऑनलाइन भी बिक रहा है। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच में जो गैप है वो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर क्रिएटर्स को भी अब अपने दिमाग में से इस गैप को खत्म कर देना चाहिए और यहाँ पर सोचना चाहिए कि कौन सा फोन अच्छा है और कौन सा फोन अच्छा नहीं है, किसे प्रमोट करें या किसे प्रमोट ना करें। तो उसी तरह से दोस्तों अगर ये सैमसंग गैलेक्सी A32 आया है तो ये दोस्तों ऑनलाइन भी बिक रहा है, ऑफलाइन फोन है तो क्या वो ऑनलाइन भी बिक रहा है। एंड उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जब रेडमी नोट 10 और 10 प्रो आ रहा है तो ये भी दोस्तों ऑफलाइन भी बिकेगा, बिकॉज ऑफलाइन में भी MI के स्टोर अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्मार्टफोन है, फिर भी ऑफलाइन बिकेगा और वही प्राइस में बिकेगा या 500,000 रुपये ही ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब क्यों ऐसा गैप ये लोग क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के चक्कर में, दिस इज टोटली दोस्तों इनसेन। मतलब इस तरह के स्मार्टफोन्स को क्यों प्रमोट कर रहे हो भाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि आ रहा है पोको X3 और पोको F3 के तरफ से। तो पोको X3 तो लॉन्च हुआ था लेकिन उसका सक्सेसर पोको, अबे यार थोड़ा ज़्यादा ये अब हो रहा है, तो पोको X3 लॉन्च हुआ था और उसका सक्सेसर दोस्तों पोको X3 प्रो बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस, काफ़ी सारे लीक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो मुकुल शर्मा जो कि काफ़ी नामी ग्रामी लीक्सर है, उन्होंने दोस्तों बताया है कि पोको X3 प्रो बहुत ही जल्दी आएगा जो कि स्नैपड्रैगन 860 पे हो सकता है। तो ये काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों, क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि पोको X3 प्रो आएगा तो स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस के साथ में आएगा, लेकिन शाओमी को ऐसा लगा होगा कि दोस्तों ये जो चिपसेट वो पुराना हो गया तो ज्यादा ना बिकेगा, तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना पोको X3 प्रो में हम लोग देते हैं स्नैपड्रैगन 860। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। उसके अलावा भी ज्यादा कुछ है नहीं कि क्या क्या चीजें होंगी, काफी लोगों को लग रहा है कि वो भी 120Hz सुपर एमोलेड के साथ में आएगा, तो अगर ऐसा होता है तो कमाल हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, जो ये पोको X3 का लीक है ये भी काफी लोगों की तरफ से आ रहा है, बहुत सारे लीकर्स इसे लीक कर रहे हैं एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि पोको F2 को डिच कर सकता है Xiaomi एंड F2 की जगह F3 ला सकता है, क्योंकि F1 के लॉन्च हुए दोस्तों 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, तो F2 अगर अभी आता है तो ऐसा लगेगा कि कंपनी बढ़ी नहीं है, तो एक नंबर स्किप करके F1 से डायरेक्टली F3 पे ये लोग जा सकते हैं। एक और रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि पोको F2 प्रो ऑलरेडी ग्लोबल में लॉन्च हुआ था, तो अब अगर F2 आएगा तो लोगों को लगेगा कि यार एक साल पहले F2 प्रो आया था और अभी ये लोग लेकर के आ रहे हैं पोको F2, तो दिस इज टोटली इनसेन। तो हो सकता है दोस्तों कि वो लोग डायरेक्टली F3 को लेकर के आ जाए। एक और चीज ये हो सकता है कि या तो इंडिया में पोको F2 आए एंड ग्लोबल में उसी का नाम पोको F3 हो, तो पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है कि जो पोको F3 होगा वो एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन होगा Redmi K40 का, जो कि दोस्तों चाइना में लॉन्च हुआ था जिसमें स्नैपड्रैगन 870 था। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग कह रहे थे कि Redmi Note 10 Pro Max को रीब्रांड करके इंडिया में पोको X3 Pro या पोको F3 ला सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है। जो फोन अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है Redmi या Xiaomi MI के ब्रांड से, वो फोन दोस्तों पोको वाले रीब्रांड नहीं करेंगे, लेकिन जो फोन चाइना में लॉन्च हुआ और इंडिया में लॉन्च नहीं हुए उन फोन्स को पोको वाले रीब्रांड कर सकते हैं। सो इस वजह से ज्यादा चांसेस ये है कि Redmi K40 जो है वो रीब्रांड हो जाए और पोको F3 या पोको F2 के नाम से इंडिया में आ जाए। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो काफी ज्यादा कमाल होगा एंड प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी दोस्तों, 27,000-28,000 रुपए के आसपास पोको F2 या F3 जा सकता है। सो वी विल सी that. तो गाइस जी हाँ, आज के हमारी इस अपडेट में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये अपडेट पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया ये वीडियो बनाते बनाते गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आजकल चालू है आप लोग देख रहे हैं, तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सिलेक्शन कर लीजिए, मेरे जन आप लोग ले चैनल लेकर के आते रहूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद। Thank you.